हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। सेकेंड शिफ्ट का पेपर छूटने ही वाला है। जैसे स्टूडेंट एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे, हम लोग उनसे सारा कुछ जानने वाले, कैसा लेवल आ रहा है, कितना अटेम्प्ट किए, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, सारा कुछ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। धन्यवाद। अरे कितना प्रश्न बना के आ रहे हैं? कितना प्रश्न? हाँ जी, कम से कम 89 तो 89 बनाया। वाह जी, जी। कैसा लगा लेवल आपका? बहुत अच्छा लेवल, बहुत अच्छा लगा जी। इतिहास का प्रश्न दिखा कुछ? इतिहास के प्रश्न का बहुत अच्छा दिखा, लेकिन कुछ मतलब कि अभी तो याद नहीं आ रहा, मतलब बनाए। हाँ, पॉलिटिकल क्वेश्चन था? पॉलिटिकल क्वेश्चन तो नहीं थी, हाँ थोड़ी सी थी संविधान के बारे में, संसद के बारे में थोड़ी सी थी। क्वेश्चन है बहुत अच्छी थी। हाँ, संसद के बारे में पूछा गया था, उतना तो याद नहीं है। अच्छा, करंट अफेयर कितना क्वेश्चन होगा, किस ईयर से पूछा जा रहा है? दी आईपीएल के बारे में पूछा गया था। आईपीएल? हाँ, आईपीएल के बारे में। उसके बाद उतना याद। क्वेश्चन लगभग देखा करंट अफेयर का? करंट अफेयर की 15 से 20, हाँ 15 क्वेश्चन होगी। क्या प्रश्न बना के आ रहे हैं? थोड़ा सा एक हम तो अभी 90% बनाया। बहुत बढ़िया, कैसा लगा लेवल? लेवल तो बहुत ईजी था, जो रेगुलर जो है ना तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत ईजी था। ठीक है, मैथ में कहाँ कहाँ से प्रश्न? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिखा? हाँ, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था। टाइम डिस्टेंस? टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं था। रेशियो का क्वेश्चन? रेशियो का, हाँ रेशियो का क्वेश्चन था। बस परसेंटेज का? परसेंटेज, हाँ परसेंटेज का भी था। एसआईसीआई का कितना क्वेश्चन होगा? एसआईएनसीआई का सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट था। सिंपल इंटरेस्ट, हाँ ठीक है। अच्छा, रीजनिंग का बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग का कितना प्रश्न होगा? कोडिंग डिकोडिंग का लगभग 2 से 3 मार्क्स का। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन दिखा आपको? नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं था। कैलेंडर क्लॉक से? कैलेंडर क्लॉक दोनों से भी नहीं था। नहीं था। मियर इमेज का क्वेश्चन था क्या? हां, मियर इमेज से दो क्वेश्चन था। अच्छा, जीके जीएस में संविधान से क्वेश्चन था? नहीं, ऐसा नहीं था। इतिहास का क्वेश्चन? नहीं, ये भी नहीं था। इतिहास का क्वेश्चन नहीं था। हो गया, काफी प्रश्न बना के आ रहे हैं। 98 लेवल कैसा लगा? अच्छा अटेम्प्ट किए हैं, बहुत इजी है। इजी है, 98 में कितना सही हो जाएगा? सही हो जाएगा लगभग 80% हो जाएगा। संविधान का क्वेश्चन था? संविधान, हां एक क्वेश्चन था उपराष्ट्रपति वाला, उपराष्ट्रपति सभापति। ठीक है, करंट अफेयर कितना क्वेश्चन होगा, किस ईयर का पूछा जा रहा है? करंट अफेयर 2 से 3 क्वेश्चन था। किस ईयर का? ये हाल फिलहाल की। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन था? हिस्ट्री था, एक दो। आप कितना बनाए भैया? हम 95 अटेम्प्ट किए। चारों सेक्शन में आप लोग सबसे आसान कौन सा लगा? मैथ रीजनिंग तो आसान बुझाया, जीके भी आसानी बुझाया। इंग्लिश थोड़ा इजी टू मॉडरेट, ये मॉडरेट। इंग्लिश में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन था? ये क्या बोलते हैं, मैंने पैसेज भी थोड़ा जो ग्रामेटिकल ही था पैसेज में भी। साइनो इंटरव्यू सब था क्वेश्चन? हाँ, ये सब था। दिया था कि बनाने लाइक था। कोई आपको, आप लोगों को प्रश्न याद है जनरल अवेयरनेस का, जीके जिसका साइंस? हाँ, बहुत सारा। ये जैसे एक ये आत्महत्या की मैंने थैली जो आत्महत्या थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम का। ठीक है, हाँ। और कोई प्रश्न? हाँ बहुत सारा था, ये संविधान का या करंट अफेयर? संविधान का था। ये पानीपत का प्रथम युद्ध भी था, और संविधान से क्वेश्चन था कि संविधान में मैंने राज्यसभा का कौन माने अध्यक्ष होता है, लोकसभा का कौन अध्यक्ष होता है? इससे था तो ये राज्यसभा का तो उपराष्ट्रपति थे, और लोकसभा का उपसभापति होते, अब माने सभापति होते हैं। माने ज्योग्राफी क्वेश्चन, पर्वत पहाड़ ये सब कोई क्वेश्चन दिखा? ये क्वेश्चन था माने भारत का माने देश से सटा हुआ, माने कौन सा भूमिगत देश से सटा हुआ नहीं था, तो श्रीलंका होगा। खेल कूद से कोई क्वेश्चन था? खेल कूद से? खेल कूद से आईपीएल से? आईपीएल वगैरह? हाँ आईपीएल से था। 2000 कब से हुआ था? 2008 से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक बीआरओ का मैंने स्थापना कब हुआ था? 1960 में बीआरओ का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, और मतलब साइंस का बायोलॉजी क्वेश्चन था क्या? हाँ बायोलॉजी तो बताए ही, लाइसोसोम था, एक ही क्वेश्चन बुझाया। और फिजिक्स केमिस्ट्री में? नहीं, साइंस का कम ही। हाँ कम ही पूछा जा रहा है। और मतलब कि करेंट अफेयर का कोई क्वेश्चन बताइए? करेंट अफेयर में ये क्या बोलते हैं, ये था प्रधानमंत्री अन्न योजना वाला को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 2023 तक बढ़ा दिया गया है। 2023-2022 सितंबर अक्टूबर। अच्छा, मैथ का आप लोग बताइए किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन होगा? ये एडवांस मैथ दिखा? एडवांस मैथ नहीं था, बस नहीं अलजेबरा का मैथ नहीं था, कुछ नहीं, त्रिकोणमिति से नहीं था, सब लगभग अर्थमेटिक ही पूछा गया। सब अर्थमेटिक ही था, बस अर्थमेटिक ही था, बस एक दो क्वेश्चन जो था ये क्या बोलते हैं इससे था, नहीं प्रॉफिट लॉस तो आसान होता था। सिंपल इंटरेस्ट था। अच्छा, नल टंकी सब था क्या? नहीं टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का एक ट्रेन से रिलेटेड, टाइम एंड डिस्टेंस का भी, ट्रेन से भी था एक क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन था। अच्छा, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट का कितना क्वेश्चन होगा? ये 4 क्वेश्चन, 3 सबसे ज्यादा उसी से पूछा जा रहा है। अच्छा, जीके जी इसमें डांस का क्वेश्चन था?
डांस से ये इनका क्या बोलते हैं कौन थे भाई, सोनल मान सिंह। हाँ सोनल मान सिंह, तो ये हम मणिपुर मार दिए मगर उदीसी होगा हमको लग रहा था। बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन था क्या? हाँ ये क्या लियो टॉल्स्टॉय, अन्ना करेनानी पुस्तक का लेखक कौन था? तो वही लियो टॉल्स्टॉय सही है। चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद आपने।